दिल्ली के औद्योगिक इलाके नरेला में प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 32 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें हैं धू धू कर जलती चार मंजिला फैक्ट्री की। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक उत्पादक बनाए जाते हैं। सुबह 4:30 बजे अचानक इमारत में आग लग गई। जब आग ने प्लास्टिक को पकड़ा तो पूरी 4 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग के आसपास की फैक्ट्रियों पर भी खतरा बढ़ गया। आग को बुझाने के लिए रात में ही दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया था। आजादपुर मंडी के पास सुबह जाम होने से दमकल गाड़ियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंजन लगा है या किसने लगाया है? प्रशासन ये पूछे कि इतना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, किस लिए किया? ये कम से कम इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इतना बड़ा हादसा नहीं होता और पानी तुरंत मिल जाता फायर ब्रिगेड को, तो बहुत कुछ हादसा टल सकता। नरेला से दीपक गुंदवाल की रिपोर्ट, टीवी लाइव। फिलहाल बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि दोबारा फैक्ट्री की मशीनें चलाने लायक नहीं बची हैं। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। देखते रहिए डीबी लाइव।